नमस्कार स्वागत है आप आप सभी सभी का का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में मैं आलोक शुक्ला एक बार पुनः स्वागत करता हूं अभी एक खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है लेखपाल के 4000 पदों के लिए यूपी ट्रिपल एस के द्वारा तो क्या इसकी सच्चाई है इसके बारे में हम लोग जानेंगे साथ में ये जानेंगे कि यूपी ट्रिपल अस मई माह में क्या कर रहा है और उसमें आगामी कौन कौन सी परीक्षाएं और इस महीने कौन सी नई विज्ञप्ति आने वाली है लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक ज़रूरी सोचना यह भी है कि जो पुराना ऐप था वो अपडेट कर दिया गया है तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाके उसे अपडेट कर लें और जो मित्र अभी भी परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं वो उसे इंस्टॉल भी जरूर कर लें बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर निःशुल्क मिल जाती हैं चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या है ये तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक जो कटिंग है ये बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है मैं आपको इसे दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से और आप इसे खुद भी पढ़ सकते हो ये है लेखपाल के चार हजार पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती अब सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं कि अभी तक तो आठ हजार पचासी पद थे और सबसे बड़ी बात ये बच्चों का कहना है कि यार जो आठ हज़ार पचासी पद है वो तो पिछले चार पाँच सालों में कंप्लीट नहीं करवा पाए और ये कब करवाएंगे तो ये बात बिल्कुल सही है और कहीं ना कहीं मजाक का पात्र भी है यूपी ट्रिपल एस सी और इसका पूरा क्या सिस्टम है समझ में नहीं आ रहा है लेकिन एक बात बहुत दिमाग में आप लोग रख लीजिए कि ये जो वर्ष आपका 2022 है और 2023 है अधीनस्थ बहुत बड़ा कदम उठा रहा है और आपके लिए अधीनस्थ से बहुत सारी वैकेंसीज आ भी रही हैं और अगर मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं मेरे पास कुछ तो ऐसी सॉलिड जानकारी होगी कुछ ना कुछ मुझे ऐसा पता होगा तभी मैं बोलता हूँ अन्यथा मैं आपके लिए कभी भी ऐसा अनुपनाप वीडियो बनाने आता नहीं हूँ इतना विश्वास आपको मेरे ऊपर है और होना भी चाहिए खैर ये क्या चीज़ है मैं इस चीज को समझा देता हूँ कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो राजस्व परिषद की बात कर रहा है चकबंदी की बात नहीं है ये राजस्व परिषद की बात है और राजस्व परिषद में लेखपाल के जो खाली पद हैं अब ये देखा जाए तो अभी जो आठ हजार पचासी पद आ रहे हैं ये आपके 2016-17 के अधियाचन और उससे पहले के अधियाचन के हैं लेकिन इससे पूर्व भी 2017-18-19-20 का अधियाचन आयोग को मिल चुका है और फिर से ये 20, 21 और 21 और 22 का जो रिक्तियां हैं और वो भी राजस्व का तो अभी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पूरा राजस्व परिषद ने लेखपाल के खाली पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगी है और ये मंडलायुक्तों से चयन वर्ष क्योंकि आप जान रहे हो कि लेखपाल की जो परीक्षा था वो दो के नियमावली के मुताबिक मंडलीय संवर्ग में आती है तो ये अब मंडला जो होते हैं मंडला युक्त के अनुसार ही इसमें क्या है सारी, -सारी की सारी भर्तियां कंप्लीट की जाएंगी तो लेखपाल के पद है वो मंडल में ही होंगे ये बात क्लियर है हालांकि इससे आपको मतलब नहीं है आपको केवल नौकरी से मतलब है और चार हजार पद अभी यहाँ पे ये जुड़ रहे हैं और इसके अतिरिक्त भी कुछ पद जुड़ेंगे तो ये मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि 2022 में ही अभी आपको तुरंत परोस दिया जा जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है लेकिन ये आपका दिसंबर 2022 से लेके और जनवरी 2023 तक इसकी नई विज्ञप्ति आपको मिल जाएगी और ये बहुत सही जानकारी भी है अगर कुछ ऐसा नहीं होता है हालांकि इस वर्ष आपके सचो भी जाने वाले हैं यू पी ट्रिपल एस सी से लेकिन उसे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दूसरे सचिव आएंगे लेकिन 2022-23 में लेखपाल की एक बढ़िया वैकेंसी फिर से आ रही है तो 8000 पद आपके आठ हज़ार पचासी इधर भरे जाएंगे जिसकी परीक्षा आपको 19 जून को है लेकिन 19 जून की जो परीक्षा है उसमें सबसे बड़ी बात जो आ, सबसे बड़ी बॉटल नक है वो है पी और पी ई जो हुआ था उसके आधार पर कौन से बच्चे शॉर्ट किए जाएंगे पहले भी ये बात हुई थी कि करीबन 15 से 20 गुना बुलाए जाएंगे और 15 से 20 गुना बुलाए जाएंगे तो कितना ज़्यादा कट ऑफ जाएगी तो वहां पे अगर 15 से 20 गुना बुलाए जाएंगे तो मैं पहले भी बोला था कि 90 परसेंटाइल बहुत ही क्रिटिकल परसेंटाइल होगा स्कोर पे होगा बहुत सारे जानकारी ऐसे भी मिल कि एक स्कोर डिसाइड करेंगे लेकिन इसके बारे में कुछ क्लियर नहीं है हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसका जो एडमिट कार्ड रिलीज करने की बात हो रही है वो पाँच जून से पहले आ, एडमिट कार्ड नहीं आएगा लेकिन ये विडंबना ही है कि अभी दो परीक्षाओं को देखा जाए एक लेखपाल की परीक्षा देखा जाए एक यू डी और सप्लाई इंस्पेक्टर की बात किया जाए सप्लाई इंस्पेक्टर में तो अभी सिलेबस भी नहीं मौजूद है उनतीस जून को परीक्षा है और एक महीना पहले कायदे से आपके पास मुश्किल से 50 से 55 दिन है 50 55 दिन पहले ना ही आपका ये पता है कि सिलेबस और पैटर्न क्या होगा ना ही ये पता है कि उसमें कौन परीक्षा देगा कौन परीक्षा नहीं देगा तो ये आयोग कि जो लीला है या परम्पार है ये बात आप भी समझ रहे हो और इस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा इसके बारे में आप लोग खुद ही समझदार हो लेकिन एक बात दिमाग में रखना कि जो 2021 हज़ार इक्कीस के पी टी में था उसमें आयोग को खुद ही नहीं पता था क्या करना है एक बार लेखपाल की परीक्षा और ये आपका यू डी एल डी ए ये जो परीक्षा है और आपका सप्लाई इंस्पेक्टर का ये दोनों परीक्षा होने के बाद बहुत ही ज़्यादा आयोग को भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है और उसके बिहावे मैं आपको इतना बता दे रहा हूं कि जो पीईटी 2022 है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है देखिए एक बात कहीं ना कहीं सत्य है यहाँ पे ना आप इस चीज़ को भले ही कितना हम लोग किसी चीज़ का उपहास उड़ा लें कितना ही गाली दे लें किसे गुस्सा आता है ऐसा नहीं है आपको भी गुस्सा आता है मुझे भी गुस्सा आता है लेकिन एक बात जो सच्चाई है वो ये है कि अगर आपकी पीटी तो अनिवार्य हो ही गया है और अब आने वाले पाँच साल इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता है यानी कि पाँच साल के लिए अगले पाँच साल के लिए सरकार बदल जाती तो बात एक अलग था अगले पाँच साल के लिए पीटी में ना मैं कुछ कर पाऊंगा ना आप कुछ कर पाओगे और प्रत्येक बस पीटी होगा और आप परसेंटाइल देख रहे हो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो किसी का इंतजार नहीं करते ना ही वो किसी को गाली देने जाते हैं ना ही वो किसी पे व्यंग रचने जाते हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो चुपचाप कमरे में बैठ के अपनी पढ़ाई करते हैं और यकीन मानो वही बच्चे होते हैं जो निन्यानवे परसेंटाइल के एब अट्ठानवे परसेंटाइल के एहब आते हैं आप में से ही पंद्रह लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था करीबन आठ दस लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था पीटी का और उनमें से ही कम से कम नहीं तो ऐसे लाखों बच्चे होंगे जो डेढ़ से दो लाख बच्चे होंगे जो नब्बे परसेंटाइल के ऊपर है और वो किसी ना किसी एग्जाम में बैठेंगे तो ये कहने की भी बात होती है कहीं ना कहीं सच्चाई से आप भी वाकिफ़ हो सच्चाई से मैं भी वाकिफ़ हूँ मेहनत करना आपको पड़ेगा आप में से ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं आप में से ही सेलेक्ट नहीं होते हैं तो क्यों सेलेक्ट होते हैं उनमें कुछ खास बात होगी इसलिए थोड़ी सी सच्चाई ये है थोड़ी सी कड़वाहट भी है मेरी बातें आपको बुरी भी लग सकती है लेकिन मैं इतना श्योर हूँ जो पढ़ने वाला बच्चा है उसे मेरी बातें कभी भी बुरी नहीं लगेगी जो बच्चा सीरियस है अपने करियर के लिए सीरियस है उसे कभी बुरी नहीं लगेगी हालांकि इसके बहुत सारे लूप पोल हैं जो हम लोग आगे की वीडियो में भी डिस्कस करेंगे लेकिन इतना मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब पी टी आपके लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है और सबसे बड़ी बात है कि सितंबर में इसकी परीक्षा होनी है इतना भी मैं आपको बता दूं कि इसका जुलाई में फॉर्म आएगा कब आएगा जुलाई में फॉर्म आएगा तो जुलाई के बाद आपका अभी से देखा जाए मई आपका लग गया है मई जून जुलाई अगस्त चार महीने हैं और अगर आपको नब्बे से परसेंटाइल के ऊपर लाना है बानबे परसेंटाइल के ऊपर लाना है क्योंकि ये सोचो कि अभी कोई परीक्षा आने वाली नहीं है मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी परीक्षाएं आपकी अभी आने वाली हैं तो मैंने ये एक चार्ट आपके लिए बनाया है खुद ही प्रिपेयर किया है जितनी भी मेरे पास जानकारी कलेक्ट हुई है उनके आधार पर एक न्यू वैकेंसी में देखो जो दो और तेईस मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आने वाले एक दो महीने में ही आ जाएगी लोअर दो आठ सौ प्लस की वैकेंसी आने वाली है और अभी लोअर का ही पद सप्लाई इंस्पेक्टर का था लेकिन उसमें कुछ इश्यूज के चलते उसे यू और एलडी के साथ कर दिए हैं क्या इश्यू है उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे लेकिन उसे अलग कर दिया गया है बाकी लोअर का एक समग्र रूप से भी आठ पद का एक साथ दे सकते हैं तो ये आपका आ रहा है वीडियो का दोबारा एक तो आपका जो री एग्जाम है वो तो हाई है इसके अतिरिक्त भी दो पद आ रहे हैं ये समझते हुए चलेगा कि 2000 पद ये कंफर्म आ रहे हैं के 4000 पद ये हैं, प्लस 3000 पद और जोड़ेंगे लगभग 7000 पद ये 2022 लास्ट दो हजार तेईस तक आएंगे जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो का 2000 प्लस का आना है और ये आपका मई में, में ही आपकी इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी एजीटी और केन्द सुपरवाइजर का भी मई लास्ट ईयर जून में आपको यहाँ पे नया नोटिफिकेशन 2500 प्लस पद का मिल जाएगा और आपके कुछ पुष्टाहार कुछ पद और भी आने वाले हैं जो मई और जून में ही मिल जाएंगे तो करीबन दो दो चार करीबन साढ़े छः सात हजार पद अलग अलग वैकेंसी का और भी महिलाओं के लिए कुछ पद आने वाले हैं करीबन सात से आठ हज़ार पद मई और जून में आपको देखने को मिलेंगे ठीक है ना और ये किसके आधार पे कराए जाएंगे इनकी विज्ञप्ति तो भले करेंगे लेकिन जो स्कोर कार्ड होगा वो 2021 और 2022 दोनों ही वैलिड किया जाएगा क्योंकि जो इनका परीक्षा होगा परीक्षा उस पीटी परीक्षा के बाद कराया जाएगा तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो पीटी के स्कोर के बाद आएगा पीटी का स्कोर दो का पहले जारी किया जाएगा जूनियर असिस्टेंट e और एजीटी e के सुपरवाइजर लेखपाल का, का अगला और लोगा का इन सबका जो रिजल्ट है वो पीटी के रिजल्ट के बाद आएगा तो उसमें 2022 वाला भी कंसिडर किया जाएगा और क्योंकि दो का जो रिजल्ट था वो सितंबर में आया था तो उसके रिजल्ट के डेट तक आपका क्या हो जाएगा स्कोर कार्ड वैलिड हो जाएगा तो इस, इन परीक्षाओं में सबसे अच्छी बात यह है कि 2021 और 2022 दोनों के पीटी के स्कोर कार्ड वैलिड हो सकते हैं ये बात समझिएगा क्योंकि एक साल वैलिडिटी है और सब स्कोर कार्ड जनरेट होने के डेट से देखा जाता है और आयोग इस आ, उसमें आपको फायदा देने के लिए कहीं कही ना कहीं आपके हित में सोच रहा है तो इन परीक्षाओं का जो रिजल्ट है वो इसके पहले लाना चाह रहा है किसका किसका खासकर जूनियर असिस्टेंट का ए का, का ये दो पद हैं और आपके आ, कुछ महिलाओं के लिए पद आने वाले हैं और एक विज्ञप्ति आपकी और आने वाली है इन चार को आपको पी चार पद ऐसे होंगे जो पीटी 2021 का भी फायदा मिलने वाला है तो अभी के लिए तैयार हो जाओ बाकी जो एग्जाम होने वाले हैं वो लेखपाल आठ हज़ार अठासी पद का उन्नीस जून को आपको पता ही है यू डी एल सप्लाई इंस्पेक्टर का छिहत्तर पद जो है उन्तीस जून को होना है बोरिंग टेक्नीशियन तीन जुलाई को होना है आई इंस्ट्रक्टर ये आपका पुराना है आई इंस्ट्रक्टर सत्रह जुलाई को होना है फॉरेस्ट गार्ड तीन आपकी वैकेंसी पुरानी है इक्कीस अगस्त को होना है लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है वो पी टी है ये आपका अट्ठारह सितंबर को होना है और इसके लिए अभी से तैयार हो जाओ मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ लास्ट के दो महीने में भले ही इसका सिलेबस बहुत संक्षिप्त है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार पिछली बार तो बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म नहीं भर पाए थे और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो वंचित रह गए थे इस बार आपके जो फॉर्म होंगे वो तीस लाख प्लस एक्सपेक्टेड है ये आयोग का अनुमान है ये मेरा अनुमान नहीं है और आयोग का अनुमान भी कहीं ना कहीं सही अनुमान है बहुत कम हो जाएंगे तो पच्चीस लाख प्लस फॉर्म पड़ने वाले हैं और इस बार परीक्षा देने वालों की संख्या भी बीस लाख प्लस रहेगी तो दूना लोग परीक्षा देंगे इसका मतलब इस बार कल काट प्रतियोगिता होने वाली है पीटी 2022 के लिए है और बोला जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जो है वो आपके सामने आएगा इसमें कोई भी डिंगे मारने की बात नहीं है कोई भी दूसरे पे उंगली उठाने की बात नहीं है आपके सामने सब आएगा और आज से ही सीरियस हो जाओगे तो ज़्यादा बेटर है बाकी लोअर 2019 का जो डीवी होना है उसका पाँच मई तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा लेखपाल आठ का पाँच जून तक इसका आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा इसका जो शॉर्ट लिस्टेड वाला है वो मे लास्ट तक पता चल पाएगा और ये भी अभी आयोग दो विचार पे है मैं आपको बता दूं जो बात चल रही जहाँ मुझे जानकारी पता चली है कि हो सकता है कि ये कुछ शॉर्ट लिस्टेड जारी ही मत करे ये केवल रोल नंबर जारी करे कि आप सेलेक्टेड हो आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हो आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हो उस पर कट ऑफ का कोई बात ही नहीं करेगा अगर चालाकी वो दिखाना चाहेगा इस पर बात चल रही है क्योंकि वो खुद ही बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है उसके बाद रिजल्ट की बात करें तो इस महीने आपका करीबन आठ मई को रिजल्ट आने वाला है कंप्यूटर ऑपरेटर दो का और ऐसे ही पच्चीस मई के पहले पहले, पहले आपका जेई दो का जूनियर असिस्टेंट दो का फाइनल आना है सब कुछ क्लियर हो गया है केवल इसमें ज्वाइनिंग देनी है ये रिजल्ट क्लियर होना है और जेई 2016 का जून में रिजल्ट आना है बाकी 18 का आंसर की आपका आ ही गया है जेई वाले का अभी 30 अप्रैल को तो वहां से आप उस चीज़ को देख सकते हैं तो ये रही जानकारी इसके अतिरिक्त अभी पीटी का कोर्स और लेखपाल का टेस्ट सीरीज ये बहुत ही कम दाम क्योंकि परीक्षा प्लस का आप जानते अभी ही हो अभी देखे होगे ई एस में सैकड़ों कहीं ना कहीं सेलेक्शन्स हुए हैं कितने बच्चे शॉर्टलिस्टेड हुए हैं आप स्क्रीन शॉट देखे होगे स्टेटस देखे होगे यूट्यूब पर देखे होगे तो ये कहीं ना कहीं परीक्षा प्लस की अपनी ताकत को बहुत अच्छा और आपके विश्वास के लिए मैं हमेशा आभार प्रकट करता हूं आप सभी के लिए कि जो आपका विश्वास एक स्नेह हमें दिखाते हो और एक आपसे हमेशा वादा करता हूं कि जो मिनिमम फीस हो सकती है कि इतना ज़्यादा अगर दिक्कत होती है तो आपको फीस कभी लोड ना देना पड़े पीटी जो आपका 2000 का बैच है इस बार केवल तीन सौ निन्यानवे में अभी ऑफर में दिया जा रहा है और लेपाल का जो टेस्ट सीरीज है वो आपका एक सौ निन्यानबे में इसमें 30 से ज्यादा 30 सेक्शनल दिए जा रहे हैं प्लस 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जा रहे हैं तो आपका टोटल 40 टेस्ट इसमें दिए जा रहे हैं और पीटी में आपको सारे के सारे लाइव क्लासेस दिए जाएंगे उसके बाद आपको सारे के सारे प्रॉपर नोट्स दिए जा रहे हैं और 30 प्लस टेस्ट दिए जा रहे हैं ये सारे के सारे तीन सौ निन्यानवे रुपए में है आपको करना बस ये है कि परीक्षा प्लस का ऐप इंस्टॉल करने कहाँ से इंस्टॉल करना है आप यहाँ पे देख सकते हो ये परीक्षा प्लस का ऐप है आप ये जाके ऐप इंस्टॉल कर लीजिए आज ही और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फिर मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद सबका बहुत बहुत आभार